गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने जो मैथ्स में हमने क्लास 8 के लिए जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो फर्स्ट चैप्टर था हमारे पास, पहला चैप्टर। तो पहला जो चैप्टर है वो आपके है परिमेय संख्या। तो भाग 2 के जो है हमारे पास परिमेय संख्या का जो पार्ट 2 पढ़ा रहा हूं मैं आपको आज, जो क्लास 8 के लिए है। तो कक्षा 8 में जो आपके परिमेय संख्याएं हैं, तो देखिए उसमें मैंने आपको बताया था कि हम किन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहेंगे और किन संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं इनमें जुड़ जाती है, मतलब कौन कौन सी संख्याओं से मिलकर परिमेय संख्याएं बनती है। थोड़ा सा एक बार वापस से रिवाइज कर देते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याओं से जुड़कर बनी, कौन कौन सी संख्याओं से जुड़कर परिमेय संख्याएं हमारे पास बनी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि प्राकृत संख्याएं कौन सी है, ठीक है, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं कि हमारे पास प्राकृत संख्याएं कौन सी है ये मैंने बताया था आपको। तो इनको बोलते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे बढ़ते रहिए ऐसे। इनको किससे डिनोट किया था हमने, इन संख्याओं को हमने किससे डिनोट किया था या किससे दर्शाया था, कैपिटल एन से दर्शाया था। तो वे संख्याएं जो किससे कहां से स्टार्ट हो, एक से स्टार्ट हो, एक से शुरू हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इनको हमने किससे दर्शाया, एन से। एन का मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये जो नेचुरल नंबर्स से इसी कैपिटल एन से हमने इन प्राकृत संख्याओं को दिखाया था। इसके बाद हमने बताया, इसके बाद हमने सीखा था कि पूर्ण संख्याएं कौन संख्याएं, मैंने आपको बताया थी कि इन्हीं प्राकृत संख्याओं में आप क्या जोड़ लीजिए, जीरो को स्टार्ट कर दीजिए। जीरो आगे क्या हो, साथ में क्या जुड़ जाता है, जीरो जुड़ जाता है, मैंने बताया था आपको। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। कहां तक चला जाता जाएगा, जैसे प्राकृत संख्याएं चलती जा रही है वैसे आगे बढ़ता जाएगा हमारे पास। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता जाएगा। इसे हमने किससे डिनोट किया था, इसे हमने डिनोट किया था W से, इससे डिनोट किया था W से। और इनको क्या बोला था हमने, होल नंबर्स, पूर्ण संख्या, होल यानी पूर्ण नंबर्स संख्या। तो होल नंबर्स W से डिनोट किया था हमने। इसके बाद मैंने आपको बताया था पूर्णांक वाले, ये क्या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक में हमने दिखाया बताया था आपको कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ऐसे ही 0 के इधर, 0 के इस साइड हम क्या करेंगे, -1, -2, -3 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या है, मैंने बताया आपको, बताया भी था। तो पूर्णांक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। और इन्हें किससे डिनोट किया था हमने, जेड से डिनोट किया था, जेड से दर्शाया था, ठीक है। नेचुरल नंबर एन, पूर्ण संख्या है डब्ल्यू से डिनोट किया था, और पूर्णांक संख्या है जेड से दर्शाई गई थी, ठीक है। ये भी कहा था आपको कि सभी प्राकृत संख्याएं, तो ये एक से पूरी प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्याओं में है। देखो जीरो यहां से देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरा नेचुरल नंबर सी है हमारे पास, ये कहां है, ये सारी प्राकृत संख्याएं ही है हमारे पास, क्या है, ये सभी हमारे पास प्राकृत संख्याएं हैं। बस क्या आएगा जाता है, सीधा केवल जीरो। इसका मतलब क्या बताया था मैंने कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, ये बताया था, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत सभी प्राकृत संख्याएं आ रही है। इसलिए क्या बताया कि सभी पूर्ण संख्याओं में
प्राकृत संख्याएं भी है। इसके अलावा और क्या था हमारे पास पूर्णांक में, इन्हें पूर्णांक कहा था कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं इंक्लूडिंग जीरो, मतलब सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जिनमें जीरो भी शामिल है, उन सभी संख्याओं को हमने क्या कहा था इंटीजर्स, पूर्णांक कहा था हमने, पूर्णांक संख्याएं कहा था, और इन्हें किससे डिनोट किया डॉट से। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो परिमेय, इसको सबको हटा देते हैं और फिर ढंग से वापस बता देता हूं। से हटा रहा हूं सभी, ये सब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझा दिया था, इसलिए फटाफट से हटा रहा हूं बिना बोले से। आगे देखिए एक चीज और बताई गई थी आपको के परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और बताई गई थी, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं की मैंने परिभाषा आपको बताई थी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के, जिन्हें हम p बटे q के रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा परिमेय संख्याएं कहलाएगी, ठीक है। परिमेय संख्याएं कहलाती है, वापस से रिपीट कर देता हूं, वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में दर्शा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, या वो परिमेय संख्याएं कहलाती है, वह परिमेय संख्याएं कहलाती है। ये मैंने बताया था आपको, डेफिनेशन भी समझाई थी, p में क्या शामिल है, q में क्या शामिल है, ये भी बताया था। तो वापस से देख लीजिए कि p कौन से होंगे और q कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था आपको कि p का मतलब क्या है, यहाँ पर ये p कहाँ से आया और q कहाँ से आया, तो p को क्या कर रहे हैं, p को क्या कह रहे हैं वो देखिए, p होती है जिसमें प्राकृत संख्याएं कह दीजिए आप, या साथ में क्या जुड़ जाता है पूर्ण संख्याएं भी जुड़ जाती है, या क्या कह सकते हो पूर्णांक कह सकते हो, ठीक है। या अब देखो दो तरीके से हम बता सकते हैं कि p क्या है, यहां पर p प्राकृत संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है, या पूर्णांक संख्याएं भी हो सकती है। अब देखो प्राकृत कौन सी है जिसमें एक से स्टार्ट होने वाली हो, ऐसा आगे बताए वो प्राकृत, पूर्ण में क्या जुड़ जाता है जीरो से होने वाली स्टार्ट हो, और पूर्णांक में क्या जुड़ जाता है माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, इधर चलती जाएगी और इस साइड भी एक दो तीन चार पांच ऐसे आगे चलते, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन संख्याओं में
इन संख्याओं को काम में ले सकते हैं। इन संख्याओं में देखो अगर हम पूर्णांक पर आते हैं तो पूर्णांक में ये इन संख्याओं ये संख्याएं कौन सी है, पूर्णांक में ये सारी संख्याएं हैं प्राकार, ठीक है, पूर्णांक में ये सारी संख्याएं हैं प्राकार। अगर इसको ऐड कर देता हूं मैं जीरो के साथ आ जाता है तो इसमें जीरो भी शामिल हो जाएगा। अगर यदि मैं इन प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर दूं तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। अभी हमने देखा है इसको, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये अगर पूरी संख्याएं देखते हैं कहां से कहां तक, इधर जो माइनस में जा रही है आगे तक और इधर जो यहां पर जो माइनस में जा रही है वो और यहां पर जो प्लस में आ रही है, इन संख्याओं को पूरी की संख्याओं को देखें तो ये पूरी संख्याएं क्या है, पूर्णांक की संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमें हम क्या कह सकते हैं पी के लिए, एक बात और सी के लिए हम कह सकते हैं कि पी क्या है, पी एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं पी को, पी क्या है, पी एक पूर्णांक संख्या है। क्यों है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में प्राकृत संख्याएं भी है, पूर्णांक संख्याओं में प्राकृत पूर्ण संख्या भी है। पूर्णांक में कौन कौन है, प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो P है वो P क्या है, हमारे पास पूर्णांक संख्याएं है। ठीक है, P पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, अब क्यू की बात करते हैं, क्यू के लिए मैंने बताया था कि क्यू है हमारे पास पूर्णांक संख्या है, क्यू भी क्या है, जैसा पी है वैसा ही क्यू है, लेकिन एक बताया था मैंने कि एक कौन सी संख्या है जो क्यू में शामिल नहीं है, क्यू में शामिल नहीं है, कौन सी संख्या बताई थी आपको, तो क्यू में शामिल संख्या बताई नहीं, जो शामिल नहीं है वो बताई थी हमने कि जीरो, जीरो है उसे क्यू ने नहीं बुलाया, क्यू के पास जो जीरो है वो क्यू के पास नहीं है। ठीक है, पी में है पूर्णांक, क्यू में भी पूर्णांक, लेकिन क्यू में जीरो नहीं है, मैंने आपको कारण भी बताया था कि क्यू में जीरो क्यों नहीं है और पी में पूर्णांक में कौन कौन सी नहीं, सभी है, पी तो सभी पूर्णांक संख्या है, क्यू सभी पूर्णांक संख्या है केवल जीरो के अलावा, केवल जीरो नहीं है। और जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जीरो है तो क्यू का यहाँ हम पी में भाग दे रहे हैं, तो कभी भी हमने जीरो का किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया है। पी कोई ना कोई एक संख्या होगी, क्यू भी कोई ना कोई एक संख्या होगी, बस हम जीरो नहीं लेंगे, तो क्यू का कंडीशन ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, इसे मैं हटा रहा हूं। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि परिमेय संख्याएं दिखती कैसी है, एक दो परिमेय संख्याएं लिख के देख लेते हैं। तो देखिए उदाहरण अगर देखें हम, तो देखिए उदाहरण में अगर मैंने लिखा 2/3 तो क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखो इसकी तुलना कीजिए आप P बटे Q से, किससे तुलना करेंगे, P बटे Q से तुलना करेंगे,
तो क्या P क्या था हमारा? P पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्याएं, और Q क्या है? पूर्णांक संख्याएं, क्या नहीं है? जीरो नहीं होना चाहिए, बस जीरो शामिल नहीं है। तो देखो क्या, दो दो को अगर देखें तो दो क्या है? पूर्णांक है। देखो कैसे समझें कि दो पूर्णांक है या नहीं है, तो आप यहां लिख के रख लीजिए, यहां लिख के रख लीजिए कि इसको पूर्णांक कहते हैं, इसको हम पूर्णांक कहते हैं, ये लिख के रख लीजिए। तो पूर्णांक कब कहते हैं? जीरो, इधर एक, इधर दो, इधर तीन, चार, पांच, छह, ऐसे आगे बहुत सारी संख्याएं आती जाएगी, और इधर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, ये भी आगे बढ़ता जाएगा। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, इधर इधर गिनती चलती जाएगी, और ऐसे ही माइनस वाली गिनती इधर स्टार्ट हो जाएगी कि माइनस का एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, माइनस छह, माइनस सात, माइनस आठ, ऐसे इधर चलता जाएगा माइनस में। तो क्या देखो, ये सारी हमारे पास पूर्णांक संख्याएं हैं, तो P के जगह पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक में क्या दो है? दो है हमारे पास P में, P में दो है, तो ये पूर्णांक संख्या है। Q का ध्यान रखते हैं, Q में क्या नहीं होना चाहिए? केवल जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या तीन पूर्णांक है? तीन पूर्णांक है, तो Q भी पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है, तो P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है, दो बटे तीन लिखा हुआ है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं माइनस का सात बटे दस, ठीक है, माइनस का सात बटे दस, ये ऊपर वाली संख्या होती है पी, पी क्या है? माइनस का सात। तो क्या माइनस का सात पूर्णांक वाली संख्याओं में, पूर्णांक वाली संख्याओं में है या नहीं है, ये देखेंगे कि माइनस सात है या नहीं। तो आगे देखो माइनस छह भी आएगा, आगे चलेंगे तो माइनस सात भी आएगा, अगर माइनस दस लिख देता है तो आगे माइनस दस भी आएगा, देखेंगे आएगा या नहीं आएगा। देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, माइनस में सारे सभी माइनस, सभी के ऊपर माइनस का चिन्ह लगा होना चाहिए, जरूरी है। तो क्या माइनस का सात आएगा? माइनस का सात आएगा आगे, तो पी गुणा दस, दस कहाँ पे है? प्लस का है, उसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं लग रहा है, इसका मतलब दस गिनती वाला जो होता है वो है या नहीं। तो गिनती वाली संख्याओं में क्या गिनती में दस आता है या नहीं आता? तो देखो आगे सात आठ नौ दस, यहाँ पे दस आएगा। गिनती अगर बोलते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस आ गए यहाँ, तो दस भी आ गया, इसका मतलब जीरो नहीं है, ये पूरा दस है, दस। तो क्या सात माइनस के सात बटे दस परिमेय संख्या है? तो हाँ, माइनस का सात बटे दस भी परिमेय संख्या है, तो पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए, पी पूर्णांक होना चाहिए और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, ये ध्यान रखना है बस परिमेय संख्याओं के। और एग्जाम्पल लेते हैं, तो और एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए क्या 9 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? क्या 9 परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी? तो देखिए पहली बात तो 9 ऐसा होना चाहिए जो P बटे Q के रूप में लिखा हुआ हो, P बटे Q के रूप में लिखा होना चाहिए। तो देखिए अब ऊपर तो है लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं लगा हुआ, ना तो बटे में बटा लगा हुआ है, ना एक कुछ नीचे है, कुछ लगा हुआ है, इसके बटे में कुछ नहीं लगा हुआ है।
तो ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए और बैठा लीजिए अपने दिमाग में कि अगर कोई संख्या लिखी हुई हो और उसके बटे में कुछ नहीं हो, वापस से सुन लीजिए, यदि कोई संख्या हमारे पास लिखी हो उसके बटे में कुछ भी नहीं लिखा हो तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वहां हम एक लिख सकते हैं। अब एक ही क्यों लिखें, सर्व जरूरी है क्या हम एक भी लिखें? तो देखिए, एक लिखने से क्या नौ बदल जाएगा या नहीं बदलेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। देखो, कोई भी संख्या के बटे में कोई संख्या कब लिख सकते हैं, यदि हम वहां बटे में कुछ लिख दें और उसको लिखने की वजह से संख्या ही बदल जाए, जो हमारी मेन संख्या क्या है, नौ है, नौ के बटे में अगर मैं कुछ भी लिख दूं, एक के अलावा अगर कुछ भी लिखूं, यहाँ अगर मैं एक नहीं लिख रहा, एक की जगह कुछ भी लिखें, अगर यदि नौ के नीचे कुछ भी लिखा जाए उसके बाद संख्या में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो, संख्या चेंज नहीं हो, जैसे नौ है तो नौ का नौ ही रहे, ऐसी संख्या लिखनी है हमें, क्योंकि नौ अगर बदल गया तो संख्या ही बदल जाएगी और नौ बदलना नहीं चाहिए। एक जो है, एक में ऐसा क्या सिस्टम है कि जिससे वो बदलेगा नहीं, तो एक का क्या करना है हमें, अगर यदि एक का इसका मतलब क्या होता है, नौ बटे एक का मतलब क्या होता है, एक का हम भाग लगा रहे हैं नौ में, एक का भाग लगा रहे हैं नौ में, तो एक का भाग लगा के देखिए आप नौ में भाग जाता है या नहीं जाता है। तो एक का भाग लगाए, अगर नौ में भाग लगाने के लिए ऐसे लगा दें, ठीक है, एक का भाग लगाए यदि हम नौ में, तो कैसे लगाएंगे, इसी तरीके से लगाएंगे, एक का भाग लगा लीजिए, एक को नौ से गुणा करोगे तब जाके वो नौ बार भाग जाएगा, एक को नौ से गुणा करोगे तब तो नौ बार भाग जाएगा। या सीधा समझ लीजिए कि नौ में अगर एक का भाग लगाया तो नौ बार जाए तो आंसर क्या आ गया, नौ। संख्या बदली क्या, संख्या में कुछ बदलाव आया नहीं आया, तो नौ का नौ ही रह गया, वो कब रहेगा, जब हम बटे में एक लगा दें। यहाँ अगर हम बटे में एक लगाएंगे तो नौ नहीं बदलेगा, तो हमें नौ बदलना भी नहीं। तो आपको बताने का तरीका, बताने का मतलब क्या था ये एक का, तो अगर यदि देखिए ध्यान से सुन लीजिए, यदि किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लगा है बटे में, या तो आप दो तरीके हैं इस चीज का ध्यान रखने का कि हम किसी संख्या को परिमेय संख्या कब कहेंगे, दो तरीके से ध्यान रख लीजिए किसी भी संख्या को परिमेय संख्या कब कहा जाएगा। यहाँ जो नौ है इसके बटे में हम एक लगा दिया, एक लगाने से ये पी बटे क्यू के रूप में हो गई, क्या हो गया, पी बटे क्यू के रूप में हो गई। नौ क्या है, पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है, नौ भी पूर्णांक है और एक भी पूर्णांक है, तो नौ और एक दोनों पूर्णांक हो गए, पी और क्यू हो गया, बटे में हो गया, परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। दूसरा तरीका याद रखने का, अगर मैंने लिख दिया माइनस का 18, तो माइनस का 18 क्या पूर्णांक, प्राकर या पूर्ण संख्या, इन तीनों में से पूर्णांक, प्राकर या पूर्ण संख्या, इन तीनों में से अगर एक है तो वो परिमेय संख्या होगी ही होगी। माइनस का 18 लिखा मैंने, क्या चेक करो क्या माइनस का 18 पूर्णांक, क्या माइनस का 18 यहाँ पर जो लिखा मैंने सिंपल केवल एक संख्या ही लिख रहा हूँ, ये एक संख्या क्या पूर्णांक है, क्या ये संख्या पूर्णांक है, पूर्णांक में यदि आती है तो उसे परिमेय संख्या कह देंगे सीधे ही। और किसी को बताना है कि परिमेय संख्या कैसे है तो क्या कर देते हैं, बटे में एक लगा सकते हैं, अभी अभी हमने देखा कि एक लगाने से संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा, एक लगाने से 18 माइनस का 18 बटे एक बन गया, और माइनस के 18 बटे एक बनने से p बटे q के जैसी दिख रही है, बटे वाली संख्या p बटे q के जैसी दिख रही है, वैसी दिख रही है, दोनों पूर्णांक भी है, p पर गए तो पूर्णांक, q वाले पे गए तो पूर्णांक, पूर्णांक होते ही क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई p बटे q के रूप में। तो इस तरीके से एग्जांपल,
एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि परिमेय संख्या हो तो और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो जैसे अगर मैं लिखता हूं कि 0 बटे माइनस का 5, 0 बटे माइनस का 5, तो 0 क्या है, पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, माइनस का 5 पूर्णांक है, माइनस का 5 पूर्णांक वाली संख्याओं में दिख रहा है, हमें देखते हैं देखने पर 0 पूर्णांक हो गया, p पूर्णांक हो गया, तो आपका तब q पे आते हैं, q वाला भी क्या पूर्णांक है, तो माइनस 5 भी पूर्णांक में दिख रहा है, तो माइनस 5 भी पूर्णांक परिमेय पूर्णांक हो गया। अब देखिए दोनों पूर्णांक होने चाहिए, q में बस 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर आपके पास सिंपल लिखा हुआ आ जाए कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो 0 बटे में 1 लगा सकते हैं, 0 पूर्णांक, 1 पूर्णांक, पूर्णांक पूर्णांक डिसाइड किया, परिमेय संख्या बता। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, एक एग्जांपल लास्ट रह गया है, सब कब तक बोलोगे एक एग्जांपल रह गया, तो ये सच में लास्ट वाला एग्जांपल है, इसके आगे चलते हैं। तो देखिए अगर मैं लिखता हूं यहां पर कि 97 डिवाइड बाय 0, 97 बटे 2 मतलब सॉरी 97 बटे 0, अगर मैं लिखता हूं यहां पे 97 बटे 0, तो क्या 97 पूर्णांक है, तो ध्यान रखो 97 का गिनती में आ रहा है, 97 गिनती में आ रहा है, 97 तक की गिनती में आ रहा है, 97 पूर्णांक, 0 पूर्णांक है, लेकिन q में हमने क्या कहा, 0 नहीं होना चाहिए, बटे में 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या 97 बटे 0 अगर कहीं दिखाए तो ले जाए तो क्या परिमेय होगा या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 0 q में, q का मान क्या नहीं होना चाहिए, q की जगह का कभी भी 0 नहीं हो या बटे में कभी भी 0 नहीं हो, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्याओं के कुछ गुण हैं वो सीखेंगे, क्या क्या गुण वाले परिमेय संख्या, सबके अपने अपने गुण होते हैं, जैसे किसी को क्या आता है, जैसे मेरे को मैथ आती है तो मैथ पढ़ा देता हूँ, किसी को हिंदी आती है हिंदी पढ़ाते हैं, आपकी भी कोई फेवरेट सब्जेक्ट होगी, आपको भी जैसे लड़कियों में क्रिकेट खेलना पसंद होगा, ठीक है, तो सबके अपने अपने फेवरेट चीजें होती है, सबके अपने अपने के लिए, ये क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो लड़का होता है तो उसका गुण है, जैसे मान लो किसी का गुण है कि वो बैट्समैन नहीं है, केवल बल्लेबाजी ही करता है, तो उसका गुण बल्लेबाजी का है, तो ऐसे ही परिमेय संख्याओं के भी कुछ गुण है, वो परिमेय संख्याएं होती है तब वो गुण दिखाता है या नहीं दिखाता है, ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के गुण देख लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे टॉपिक हो जाएगा गुणधर्म, क्या हो जाएगा गुणधर्म। अब देखिए गुणधर्म में हम पहला गुणधर्म कौन सा सीखेंगे वो देखिए, समझते जाइए, इनके नाम साथ के साथ बताता जाऊंगा मैं, गुणधर्म जैसे जैसे सीखते जाएंगे, इनके नाम थोड़े से हिंदी के अच्छे वर्ड यूज किए गए और उनको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल में वैसे के वैसे ही लिखा हुआ है कि इस गुणधर्म ये परिमेय संख्या है, तो क्या ये गुणधर्म दिखा रही है या नहीं दिखा रही है बताइए, ये वाला गुणधर्म इसमें है या नहीं है ये चेक करवाएगा आपसे, ठीक है। तो देखिए पहला गुणधर्म कौन सा है, डरना नहीं है, नाम देख कर अच्छे अच्छे नाम है तो वो याद भी रखना है अपने, तो देखिए पहला गुणधर्म है हमारे पास संवर्त, संवर्त गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के साथ संवर्त गुणधर्म है या नहीं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या है इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है ये सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, तो जब हम सीखेंगे तो आपको इजी में इजीली समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा नाम अटपटा लग रहा है क्योंकि पहली बार सामने आया होगा। तो देखिए संवर्त गुणधर्म में क्या होता है,
संबंध गुणधर्म का मतलब होता है हिंदी में अगर आप बात करें सीधे लैंग्वेज में कि क्या बोला जाता है, किसे बोला जाएगा संबंध गुणधर्म, तो वह अगर हम किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़े, किन्हीं भी दो परिणाम किसका सिद्ध करें संबंध गुणधर्म परिमेय संख्याओं का, तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़े, उनको घटाएं, उनको गुणा करें, उनको भाग दे, क्या क्या करें, चार चीजें करते हैं हम देखो संख्याओं के साथ, अंकों को या तो जोड़ दें या उनका माइनस करते हैं या फिर प्लस करते हैं या फिर उनको भाग देते हैं, क्या करते हैं, या तो जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग देते हैं। तो क्या जोड़े, घटाए, गुणा करें और भाग दे, इन चारों चीजों को करने पर क्या वापस हमें परिमेय संख्याएं मिले, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या वापस परिमेय संख्या मिलती है, ये चीज चेक करेंगे। दो संख्याओं को घटाएं, घटाने पर जो परिमेय संख्या आ रही है वो क्या परिमेय संख्या है, ये चेक करेंगे। दो संख्याओं को गुणा करें, गुणा करने पर जो संख्या आ रही है वो परिमेय संख्या है या नहीं, ये चेक करेंगे। दो संख्याओं को भाग दें, भाग देने पर अगर परिमेय संख्या आ रही है तो चेक करेंगे कि परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हम देखेंगे इसी। तो देखिए सबसे पहले आ गया है हमारे पास ए, जोड़ने के लिए, ठीक है, जोड़ने पर क्या होता है, जोड़ने पर देखिए जैसे मैं परिमेय संख्या लेता हूं, एक परिमेय संख्या ले ली मैंने 2/3 और इसमें मैं जोड़ रहा हूं 11/3। देखिए पहली बात तो बटे में देखो 2/3 परिमेय संख्या है, 2 × 3 भी गिनती में, 2 भी गिनती में आता है, 3 भी गिनती में आता है, साफ तौर पर देखो परिमेय संख्या के लिए क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये संख्या गिनती में आ रही है, तो 2 गिनती में आता है, 3 भी गिनती में आता है, तो नीचे 0 भी होना चाहिए, परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे से 11 गिनती में आता है, 3 गिनती में आ रहा है, परिमेय संख्या हो जाएगी, बटे में होना चाहिए, नीचे बटे में 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या। फिनिश, समझ में आ गया क्या परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक। अब देखिए जोड़ने पर अगर इन दोनों परिमेय संख्याओं को मैं जोड़ूं, क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं दोनों को, प्लस करने पर क्या परिमेय संख्या आ रही है या नहीं आ रही है, ये चेक करना है। अब देखो दोनों के हर में क्या है, अब ये बिंदुओं वाले जोड़ा कर, बिंदुओं में दिख रहे हैं, बटे में दिख रही है संख्या, बटे में दिख रही है, तो जोड़ करना आई थिंक आता होगा आप, उसी को देखिए कि दोनों का हर कितना है, ये अंश में 2 हर में 3, अंश में 11 हर में 3, दोनों के हर 3 और 3 एक जैसे दिख रहे हैं, संख्याएं अलग अलग है, हर हर एक जैसे, तो जोड़े, तो जोड़ के टाइम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, मैसे लेते हैं, यदि हर वाला भाग समान होता है तो जोड़ते टाइम उसके लिए लैसे क्या आ जाता है, पापा से सुन लो क्या कह रहा हूं, यदि किसी भी बटे वाली संख्याओं में हर वाला भाग, हर मतलब ये नीचे लिखा हुआ है बटे में नीचे जो संख्या लिखी हुई है इसे बोलते हैं हर, हर वाला भाग यदि एक जैसा हो, हर वाला भाग एक जैसा हो तो लैसे क्या आ जाता है, वही आ जाता है जो हर में हो, हर में क्या है 3, तो 3 ही हमारा लैसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि दोनों का हर एक जैसा हो, वापस से समझ लीजिए, यदि दोनों संख्याओं का हर एक जैसा हो तो अंश में जो लिखा हुआ है उससे आप यहां सीधे के सीधे लिख सकते हैं, अंश में हर यदि समान हो, समान हर वाली संख्याओं के को जोड़ने या घटाने पर उनके अंश में जो लिखा होता है उन्हें हम ऐसे की ऐसे उतार सकते हैं। तो यहाँ पे 3 है, वैसे भी 3 है, तो 3 है तो 2 ऐसे कैसे, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, तो ऊपर अंश में जो लिखा हुआ है वो ऐसे कैसे जुड़ जाएगा 11, ठीक है। तो जोड़िए 11 में 2 जोड़ा 13/3 क्या है, 11 में 2 जोड़ा 13/3 13/3 क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, तो देखो
तेरा है नीति में आती है तो परिमेय संख्या, ती क्या कहते हैं आती है तो परिमेय संख्या है। तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जोड़ने पर हमें परिमेय संख्या मिल रही है। ठीक है, तो संवर्त गुणधर्म किसे कहेंगे, यदि संवर्त गुणधर्म किसे कहेंगे, जोड़ने वाली संख्याओं के लिए, जोड़ने पर, जोड़ने मतलब प्लस करने पर, प्लस करने के लिए संवर्त गुणधर्म क्या है उसको सुनिए आप ध्यान से। यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर पुनः हमें वापस से परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है तो परिमेय संख्याएं जोड़ने के लिए संवर्त गुणधर्म दर्शाती है। वापस से सुन लीजिए, मैं लिख देता हूं साथ के साथ, ठीक है, इसे उतार लेना, इसको लिख रहा हूं मैं कहीं पे, उतार लेना, वीडियो को रोककर उतार लीजिएगा, उसके बाद आगे लिखेंगे इसके नीचे क्या लिखा है। लिखेंगे कैसे देखिए, लिखने के लिए तो देखिए, यदि दो परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें उन्हें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः ठीक है, अतः अतः जोड़ के लिए परिमेय संख्याएं संवर्त गुणधर्म दर्शाती है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे इस जोड़ने के लिए, और ये लाइन याद रख लीजिए क्योंकि आगे तो सीखेंगे हम सभी गुणधर्मों में ये लाइनें लिखनी है तीनों की तीनों, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, जिसमें दर्शाएगा उसमें लिखेंगे, जिसमें नहीं दर्शाएगा उसमें नहीं दर्शाएगा ये लिखेंगे, जिसमें दर्शाएगा उसमें दर्शाने के लिए लिखेंगे और जिसमें नहीं दर्शाएगा उसके लिए नहीं दर्शाने के लिए लिखा जाएगा। बस लैंग्वेज ये रहेगी, भाषा ऐसे कैसे रहेगी हम जो लिखेंगे उसमें। ठीक है, तो आगे जो देखेंगे हम इसमें जोड़ने के अलावा घटाने वाला गुणधर्म, इसके अलावा गुणा करने वाला है, इसके अलावा भाग करने वाला है, जोड़ने के लिए घटाने का है, गुणा करने का है, भाग देने वाला भी है, तो सभी सीखेंगे। संवर्त के अलावा कौन से गुणधर्म वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो बाकी जो सीखेंगे वो अगले वाले वीडियो में सीखेंगे। अभी तक हमने देखा कि संवर्त गुणधर्म जोड़ने पर क्या दर्शाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे आगे, इसको आप उतार लीजिएगा वीडियो को रोक के। ठीक है, बाकी कल अगले वीडियो में कल देखते हैं हम अगला जो गुणधर्म है, जोड़े कैसे घटाए कैसे वो वाले में। ठीक है, जोड़ने का हो गया, घटाने का, गुणा करने का और भाग करने का अब आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।